मजा आ गया सकड़े रास्ते में भी इतना जबरदस्त फील आ रहा है उसको निकालने में, बहुत ही डिसेंट इसी में जी। ये बटन दबाएंगे तो कप होल्डर, ये सेकंड गियर में अभी आए। हाय हाय हाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। तो गाइस आज मैं बैठा हूँ होंडा सिविक में, और जब होंडा की बात आती है तो इसके इंजन की बात ही अलग है। अपन इसको चला के देखेंगे। सबसे खास बात यह कि 2008 का मॉडल है, और मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, अपन इसको ड्राइव करेंगे और हर कंडीशन में आपको ड्राइव करके बताऊंगा मैं आपको। 1.8 लीटर 1799 सीसी का इसमें इंजन आता है, 130 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करके देता है। और भाई सब चलाते चलाते बात करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बता दूं मैं आपको, इंजन इतना साइलेंट है, स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट ही है इंजन अभी, आप देख सकते हैं क्लियरली। अभी आपको थोड़ा सा अगर साउंड आएगा तो इसका फैन बेल्ट है वो चेंज होना है, उसका आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि देखा जाए तो 1.8 लीटर का इंजन आता है, उस हिसाब से जो पावर फिगर है ना पहले के हिसाब से तो ठीक है, अभी के हिसाब से थोड़ी सी कम मानी जाती है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोड खाली हो तो इनिशियल पिकअप इसका लेके देखते हैं अपन। मैं पीछे देख लेता हूं पहले, और सॉरी गाइस मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गया, सीट बेल्ट मैं पहन लेता हूं। 2008 का मॉडल है, लेकिन स्टिल आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं। अब आरपीएम साउंड सुनिए इसका, न्यूट्रल करता हूं। अब इसको अपन एक इनिशियल पिकअप लेके देखते हैं इसका कि कहां तक जाती है। अब ये जीरो पे है, सेकंड गियर में कहां तक जाती है अपन इसको एक बार चेक करते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, सेफ्टी के ख्याल रखना पड़ता है अपने को। सेकंड गियर में यहाँ पे 80 चली गई, अभी ट्रैफिक में चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा सेफ चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी वापस सेकंड गियर में मैं उठा रहा हूँ। स्टिल कंट्रोलिंग और ब्रेकिंग जो है ना इसकी भाई नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही मजेदार लग रही है, मतलब चलाने में मजा आ रहा है। अभी अपन यहाँ से टर्न लेते हैं, मतलब 1.8 लीटर के साथ बोला तो पावर फिगर कम तो लग रहा है, लेकिन मतलब मजा आ गया भाई। जो ये उठी है ना इस इनिशियल पिकअप, आए हाय हाय, मतलब सेकंड पे मेरे को लग रहा है 100 क्रॉस करेगी, किसी भी हाल में 100 क्रॉस ये करना ही है। और एक और खास बात इसके बारे में मैं आपको बताऊं भाई, पहले क्या होता था कि डैशबोर्ड पे लोग ध्यान देते थे, अभी आप देखना ये ध्यान देते हैं डैशबोर्ड पे कि हमको कहाँ स्क्रीन लगाना, कितनी स्क्रीन लगाना। आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन और कितना क्लियर इसका डैशबोर्ड है। और एक और खास बात डैशबोर्ड की ये है कि आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ना नीचे, ये देखिए कितना गैप है, मतलब आपके पास पैर एकदम अंदर करके इतना कंफर्ट फील होता है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये बड़ा खूबसूरत लगता है जो इसमें स्पीडोमीटर डिजिटल में यहाँ पे देख के रखा है ना, बड़ा ही जबरदस्त फील देता है ये। इसको यहाँ से अपन टर्न लेते हैं फिर और एक बार चला के देखते हैं। और भाई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूं मैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते थे, हालांकि ये जो है टॉप सेकेंड टॉप मॉडल है, इसके बाद एक वी मॉडल और आता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते थे। उसके बाद जब देख सकते हैं स्टीयरिंग कितना खूबसूरत है, और डैशबोर्ड की खूबसूरती देखिए आप, इसकी अलग ही लेवल की खूबसूरती है। यहाँ पे सिग्नल क्रॉस हो जाए, और स्टोरेज देखिए आपको भर भर के स्टोरेज इसमें मिलता है। ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा, यहाँ तक कि पीछे इब्राहिम आप बताएंगे कप होल्डर भी मिलेंगे। हाँ जी, कप होल्डर अंदर इसी में जी, ये बटन दबाएंगे तो कप होल्डर खुल जाते हैं। अरे वाह, ये प्रेस करेंगे तो आपका कप होल्डर्स भी ओपन हो गए, क्या बात है क्या बात है। और पीछे भी देखिए स्टोरेज कितना जबरदस्त मिलता है इसमें। इसको टर्न ले लेते हैं अपन यहाँ से, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं थोड़ा सा, क्या रोड खुला नहीं है हमारा, भोपाल का ये वीआईपी रोड है, इन कुछ भी कहिए आप, अभी रोड खुला खुला था दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पे सेकंड गियर में अपन ट्राई करके देखते हैं एक बार। स्टार्ट, सेकंड गियर में अभी। अरे वाह, थर्ड गियर में 130, मजा आ गया मजा आ गया। कंट्रोलिंग देखिए आप इसकी, मतलब टर्न पे भी जब मैं इसको ब्रेक ले रहा हूँ ना, टर्न पे भी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। हालांकि भाई ऐसे ट्रैफिक में आप लोग ड्राइव मत करना, हमारा वीआईपी रोड क्या है कि थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है लेकिन इतना नहीं रहता कि अपन ड्राइव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग जैसा कि मैं टर्निंग ले रहा हूँ ना, तो आपने खुद ने देखा 120 पे मैंने ऐसे टर्न करा, और वहीं के वहीं मुझे लगा कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, और वहीं के वहीं गाड़ी रुक गई।
मतलब मानना पड़ेगा। और एक और खास बात मैं बताऊं, इसमें एक PGMI फंक्शन आता है, प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन बोलते हैं उसको, जिसका बेसिकली हार्ट होता है PCM, प्रोग्राम्ड कंट्रोल मॉड्यूल। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं, प्रोग्राम्ड कंट्रोल मॉड्यूल जो उसका हार्ट होता है ना PCM, वो क्या करता है, सारे सेंसर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे इसके कैमशाफ्ट सेंसर, पोजिशन सेंसर, जो भी आते हैं जितने भी सेंसर, उस सेंसर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंजन को बताता है कि उसको किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करना है। तो उसकी वजह से इसका इंजन बहुत रिफाइंड तो होता ही है, माइलेज भी प्रोवाइड करके देता है। अगर आपने सुना होगा, सुजुकी ने 2000 के बाद अपना MPFI लॉन्च करा था, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, उसी की तरह सेम वर्क करता है। मतलब किस कंडीशन में कितना फ्यूल बर्न होना है ये इसके इंजन को बखूबी पता है। तो रिफाइनमेंट और फिर फ्यूल एफिशिएंसी तो आपको ज्यादा अच्छी मिलना ही है, लेकिन कुछ भी कहिए, जो हैंडलिंग है और जो स्टेबिलिटी है इसकी, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब 2008 मॉडल है और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं इसका कितना जबरदस्त है। हाय हाय हाय, और ब्रेकिंग भी बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग है भाई इसकी। मतलब ये गाड़ी चलाने का मजा ही और है। मतलब पुरानी जो गाड़ी आती थी ना होंडा का, जो रिफाइनमेंट होंडा कहती है, हमारा इंजन जो है ना बिल्कुल हम बनाते हैं वैसा कि रिफाइंड होता है। आप जैसे कि 2008 मॉडल है, समथिंग 12 13 14 साल हो चुके हैं, स्टिल आप देख रहे हैं। इब्राहिम, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। Yes. जैसे कि अब इतना ज्यादा इसको टाइम हो गया है आपके पास जी, तो ये मतलब पुरानी गाड़ी होने के नाते ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस निकालती है? कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है इसका, इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। और ये आज भी मुझे तो पावर के मामले में सबको, क्रूज को भी हरा देती है, क्रूज को भी हरा देती है। जब भी क्रूज न्यू मॉडल की गाड़ी है, तब भी क्रूज को बहुत प्यार से, और अब तो न्यू वर्टस GT आई है, तो वर्टस GT को भी हरा देती है। मतलब नो डाउट यार, होंडा बिल्कुल मजेदार चीज है और बेहतरीन आपको चीजें प्रोवाइड करके देती है। मतलब स्मूथनेस देखिए, और सबसे अच्छा स्टीयरिंग रिस्पांस की अगर मैं आपसे बात करूं ना भाई, तो इसका जो स्टीयरिंग रिस्पांस है, मतलब एकदम जो सॉफ्ट होता है ना, आपको लगेगा कि बहक जाएगा, एक कंट्रोल्ड वे में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड स्टीयरिंग है। स्टिल मतलब इतना टाइम होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, मेरे हाथ में व्हील्स है इसके, जहां मैं चाहूं वहां रोक दूं, जहां जैसा चाहूं उसको वैसा घुमा लूं। तो भाई नो डाउट, मतलब वाकई में मानना पड़ेगा। और आप खूबसूरती देखिए डैशबोर्ड की, इसकी खूबसूरती देख देख के बार बार दिल ऐसा करता है कि आए हाय हाय। ये देखिए आप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं होने के बावजूद इतना खूबसूरत लगता है ये, और बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम होता है ना, उस टाइप वाली फीलिंग आती है। टॉप स्पीड तो मैं आपको चेक करके नहीं बता सकता क्योंकि वो सेफ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इब्राहिम, टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है और आप कहाँ तक इसको लेके गए हैं? भाई टॉप स्पीड हम तो इसको 185 लेके गए। 185? जी 185, वो भी फोर्थ गियर में थी जब गाड़ी। क्या बात है यार, जी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे थी, फोर्थ गियर में 185 चल रही थी, और तब भी अपना फिफ्थ गियर बचा ही था, तो समझ सकते हैं 200 से तो बहुत ऊपर है, बहुत जबरदस्त। और है ना एक चीज और, जैसे कि आप देखते हैं भाई डैशबोर्ड आजकल जो है स्क्रीन लगा देते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई आपको डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया है, लेकिन स्टिल जो ये 2DI इंटीग्रेटेड जो ये आता है, आप ये देखिए कितना जबरदस्त लगता था उस टाइम से। अभी तो बिल्कुल मतलब स्क्रीन पे ही फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम थोड़े दिन में एसी इवेंट्स की जगह पे भी ये स्क्रीन वगैरह प्रोवाइड करके देंगे, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसमें। तो गाइस नो डाउट, मतलब अगर आप सेकंड हैंड भी इसको परचेस करें ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही जबरदस्त है बिल्कुल। मतलब अगर, और विजिबिलिटी की अगर अपन बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओपन स्पेस होता है ना, मतलब ये ए पिलर्स वगैरह, ए पिलर के पास आपको ये जो छोटा सा ग्लास दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ना, इसकी वजह से और अच्छा ऐसा वेंटिलेटेड फील होता है। और अगर कंफर्ट की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त कंफर्ट है इसका, मतलब सेडान के कंफर्ट की तो बात अलग ही होती है, नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिलता है आपको सेडान में। लेकिन ये देखिए आप, क्या जबरदस्त स्टीयरिंग है, बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा तो मुझे इसको देखने में मजा आ रहा है, मतलब ये जो दिख रही है ना वहाँ पे स्पीडोमीटर, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो फिनिश गई है, और स्टिल मतलब कोई भी ऐसा कोई साउंड नहीं है इसमें, क्रैकलिंग रैटलिंग साउंड नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, खानुगांव की खाड़ी है वहां से नीचे उतारता हूँ, वहां आपको मैं सुनाता हूँ इसका रैटलिंग साउंड, आपको समझ में आएगा। मतलब नो डाउट यार, ये जो है ना मजेदार है, बहुत मजेदार है। मतलब लेकिन ये है कि आपको इसी के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर होना भी जरूरी है, कि पता चल रहा है आप बिना उसके इसको कर रहे हैं, तो फिर वो इतना नहीं होगा, ये कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन ये है कि कंट्रोल बहुत ही जबरदस्त है इसका, बहुत ही कंट्रोल में चलती है। मैंने आपको जो बताया ना कि ऐसा लग रहा है व्हील्स पहिए मेरे हाथ में है। अभी देखिए आगे अगर खाली मिलता है, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड गियर में वापस आप देख सकते हैं, सेकंड गियर है ना अभी, सॉरी थर्ड है, थर्ड लग गया। अरे मतलब जो कॉर्नर हुआ है भाई, मतलब
डिसेंट इनफ मजा आ गया है भाई। मतलब लॉन्ग पे तो मजा ही आ जाता होगा इब्राहिम, जब आप लोग इसे चलाते होंगे। जी जी भाई, बहुत ज्यादा मजा आ जाता होगा लॉन्ग पे भाई। ये रैपिड से भी अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ, रैपिड भी एक अलग सेगमेंट है, रैपिड की भी बात अलग है। स्कॉडा रैपिड का भी नाम चलता है उसका, खैर अभी तो अपडेट आ गया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन ये भी अपनी जगह बखूबी है। इसका इंजन भी तो देखिए ना आप कितना बड़ा है। और उसके बाद होंडा का रिफाइनमेंट, होंडा रिफाइनमेंट के नाम से चलती है हमारा इंजन बहुत, चाहे बाइक हो होंडा की चाहे कार हो, रिफाइनमेंट के नाम पे होंडा बहुत फेमस है। आपको कैसी लगी भाई? मैं बता तो रहा हूँ, मतलब मुझे एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ भाई। एक ऐसी वाहिद गाड़ी इसको लगता है कि चलाते ही रहो बस, रुको ही। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे ड्राइव में मजा आ गया, मतलब मुझे चलाने में लिटरली बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में मुझे। अब ये घाटी यहाँ पे आ गई है, मैं नीचे उतारता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ स्टिल। देखिए आप रैटलिंग, मतलब ये क्वालिटी जो है ना डैशबोर्ड और इसकी बिल्ड क्वालिटी आया है एक बड़ा ही ओल्ड एज ओल्ड स्कूल वाला फील आ रहा है। वरना 1.6 डीजल मुझे बहुत पसंद आई थी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले चलाई थी, लेकिन जब इसको चला रहा हूँ मैं पेट्रोल में तो मुझे ऐसा लगा वरना कुछ भी नहीं है इसके आगे। अब देख सकते हैं स्टिली, आप स्टिल देख सकते हैं मैं कैसी जगह पे इसको चला रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई टप टप सी सस्पेंशन की आवाज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट है चलाने में। बस एक जो आपको आवाज़ आई होगी वो उसी की फैन बेल्ट की, देखिए स्पीड ब्रेकर में अपन जा रहे हैं, बिल्कुल साउंड नहीं है स्टिल। 2008 मॉडल, मतलब 14-15 साल पुरानी गाड़ी, बट स्टिल देखिए आप। अगर आपके पास है एसी होंडा सिविक तो कमेंट जरूर करिएगा कि यार भाई आप होंडा सिविक लवर है या नहीं, कैसी परफॉर्म करती है आपकी, अभी तक किस कंडीशन में आपने उसको रख के रखा है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा और वहाँ पे खुड़दड़ा सा रास्ता है, वहाँ पे भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड वे में ये चलती है यार भाई, मजा आ गया, मतलब मुझे चलाने में बहुत ज्यादा मजा आया। वैसे इब्राहिम कितने की मिल जाती होगी सेकंड हैंड की? अभी भाई एमपी नंबर में लेंगे आपको तो 3-4 लाख रुपए की मिलेगी। मतलब अपने स्टेट के नंबर पे लेते हैं, अपने स्टेट के नंबर 3-4 लाख वैल्यू तो है इसकी। जी वैल्यू है। और बाहर के नंबर के लेंगे तो 2.5 लाख 2.5 लाख। अच्छा जी, अपने स्टेट से हटके आप अगर दूसरे नंबर की होंडा सिविक लेते हैं तो वो आपको 2-2.5 लाख में मिल जाएगी। दिल्ली नंबर की लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी। हाँ, अभी MP04 की लेंगे तो वो सेकंड हैंड थोड़ी जी, तीन चार टॉप वेरिएंट है तो इसमें सब कुछ आता भी है ना। जी जी जी, मजा आ गया। सकड़े रास्ते में भी इतना जबरदस्त फील आ रहा है उसको निकालने में, बहुत ही डिसेंट। तो गाइस ये था छोटा मोटा हमारा ड्राइव रिव्यू, फन के लिए भी बनाया, होप करता हूँ आपको मजा आया होगा। वो वीडियो आपने एंजॉय किया है तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे कार्स के बाइक्स के ऑनरशिप रिव्यूज, ऐसे पुरानी गाड़ी के ड्राइव रिव्यू आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।